सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। किसान मित्रों, इस समय धान की फसल खेतों में खड़ी है। एक ओर जहां किसान अपनी कड़ी मेहनत और लागत से इसे तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई प्रकार के कीट इस पर आक्रमण कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम धान के एक ऐसे ही कीट तना छेदक के प्रकोप के लक्षण, नुकसान व इससे बचाव तथा नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। किसान मित्रों, धान की फसल में लगने वाले इस कीट के लार्वा यानी इल्ली या सुंडी अंडों से निकलकर तनों में घुसकर मुख्य तने को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बढ़वार की स्थिति में पौधे के बीच के कल्ले पीले पड़कर सूख जाते हैं और ये खींचने पर आसानी से बाहर निकल आते हैं, जिसे सामान्यतः मृत गोब या डेड हार्ट कहा जाता है। बालियां आने की अवस्था में इस कीट का प्रकोप होने पर खेत में सफ़ेद बालियां दिखाई देती हैं, जिससे कि जो हमारी उपज है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कीट से बचाव व नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 0.6% दानेदार की 4 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ की दर से भूमि में बुरखाव करें, या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC 60 मिलीलीटर प्रति एकड़, या फ्लूबेंडामाइड 20% WDG 50 ग्राम प्रति एकड़ की 200 लीटर पानी में इसको मिला करके फसल पर समान रूप से छिड़काव करें। दवाओं का प्रयोग करते समय सुरक्षा उपायों को ज़रूर अपनाएं और खेत में नमी बनाए रखें। धन्यवाद।